मैं काम ते जावना मेरे कपड़े इस्त्री कीते या नहीं दो तीन कपड़े दो के खले कीते अच्छा मैं इस्त्री आप कर लेना मैं वेंदा पे काम ते एक तो कुंडा जड़ा ना वो खुला रखे कर मोड़ मैं दे जले अमना ना वापस है तो ओले दरवाजा नहीं खुलेंदी मैं का टपना ओए अल्लाह तैनू हिदायत दे लकड़ियां टुकड़ियां हां लकड़ियां टोक ले आप आ टुकी मेरे को नहीं टुकी दियो अच्छा मोड़ बुआ बांध कर लवी तो जले मैं आवण होवे ओले खोल ली जा तो जड़ा ना मैं केड़े पास अल्लाह पाक मैनू केड़ी ये सजा दीती है मैनू समझ का ही नहीं आती और मैं ना मेरे कपड़े दो हो जनाब गांध जाग सटे नहीं ये कोई गल नहीं मैं ना कपड़े इस तरीका वो जनाब आदि हा कि मैं कपड़े धोते हैं मैनू समझ कर मैं केड़े पासे जावा मैं रब केड़ी सजा दीती चंगा मैं मुड़ वहींदा पाया काम ते ठीक है ना भूआ खुला रखी पता नहीं की बुलेंदा समझ तो ही बारे आई आई कीती रखदा आई आई जिवें कां होंदा ही डाबिया मैं तो बंदे की समझ नहीं आई की आख क्या किया है आई तो ब्रश मारना होंदा कपड़िया नु ओ तो मैं मार के धोते हैं ये ले मैं आवा ना ओले बुआ खुला रखिया कर 4 बजे मैं उसा बुआ खुला रखी ठीक है बुआ बारियां सारे खोल दे सा ठीक है खोल दे सा कल नहीं मैं गवाड़ियां दा छोर फाट के कार तू चढ़ा के ते बुआ खुला जाई ओ बुआ खुला ठीक है हां चलो लो जी मैं खड़ा रहवा मैं खोल दे सा चलो ठीक होटल ओपन हो जाता है तू 12 बजे आके बैठना है मेरी यार ये मजबूरी कि मेरी ये समानी डोरी सारी रात को नहीं सुनती ना मेरी सुनती है ना मेरी बाले ही रोंदी करती मैं उस नु दूध भी देवण होंदा सारी रात उठे जागना मैं हुण आया मैं तेरे सारे होटल की सफाई कर दूंगी गाकां नु चाह भी दे रोटी भी दे सारी दीवार अज ही इको मेहरबानी करिया कि मैनू जरा जल्दी गल छोड़िया करो जो मेरे बाल जड़ा ना वो तंग होंदे ते मेरी समाणी भूआ नहीं खुलेंदी मैं कुट कुट थक जांदा मैं गवाड़ियां दा बाल टपाइना घर ते होंदी भूआ खुलेंदा मेरे उत्ते यार कोई रहम कीता करो मैं सारी दीवार दा काम करेना ऐसे भाई तुहाडा ड्रामा सही है ना सानू काम चाहिदा हुण तुसी 12 बजे आओ तुहाडी बीवी दा कोई मसला तुसी घरेलू मामला तुसी चलो जी मैं तुसी 12 बजे आके होटल ए बड़ो ते तुहानू छुट्टी भी टाइम ती जाएगी जेड़े दूसरे दिन ओ पूरी तनख्वाह लेंगे तुसी पूरी तनख्वाह नहीं लेंगे तुसी हाफ ले दो तनख्वाह तुहानू पूरी जाएगी ओ टाइम तुहानू तुहाडी बीवी दा मामला ही है तुहाडे बच्चेयां दा मामला ओ तुहाडे घर दा इशू है सही है ना ओनू कंप्लीट करो इत्थे पूरा टाइम दोगे ते सही है नहीं तां कोई होर मुलाजम रख लवां मैं जी ड्यूटी कर सा हूँ टाइम पे आ जा सा टाइम पे काम कर सा ठीक है ना मैं उधर कोशिश कर सा जल्दी हो सा चलो ठीक है जाओ चलो जाओ ठीक है मैं चलना मुड़ा और मैं जल्दी चाय ले लूँ पापा जी छोटा दो चाव ना आ जाए कुछ करिए सारी दुबारी के काम करना पड़ता है जी हमारी लगती है डोरी दस रोटियां जड़ा ना जल्दी करी यार बाबा दस रोटियां जल्दी लाई
एक सारी दीवार इत्थे काम करना पंदा है उदू समाणी लद्दी है बिल्कुल डोरी वो सुनती घाशा नहीं उल्टा सारी रात बालड़ी भी जागती रहती है उसनू दुध देना पंदा पानी देना पंदा कोई समझ नहीं आती सारी रात उसे समाणी की ड्यूटी करे ना होटल वाले सारी दीवार एक बंदे तो काम लाइद मैं की करा घेड़े पाने जाव तंग ना यार मेरी समाणी जी डोरी है ना उसकी वजह से बड़ा मसला बने हुआ मेरे घर ने मेरे अगू वैर लिया मेरे को कर यार भाई अमदा पे आमदा पे नहीं अमना चाह मैं कुछ होर फाट के घाटा पैना इतना कुछ होर पा लेता मैं जानना कुछ होर में रला के लाया शुक्र है बालड़ी की दवाई लैनी है बालड़ी रोंदी गति है उसनू तो सुनी दी घाशा नहीं मैं क्या करा मैं बाल संभाला होल संभाला की करा मैं होटल से भी काम करना होंगे ला आए वो कमली अंदर सुती पई बालड़ी बाहर रोन की गति है और जाके ना वो शालक जी वे वो शालक की तू मैं आईते वे बाल रोंदा पया है उन्होंने होश ही कोई जाके ना आवे अपनी बालड़ी रोंदी गति आई बाहर मैं चाह के लाया दी इन चुप करा ओ एदी दवाई लेनी आई मैं अपनी छुट्टी जा रे ता भरया पिया थे ते भरया तू बाहर समाई हो ये तू आप अंदर सुती भाई तो बाहर कोई घर तू बाहर थोड़ी है बाहर में समाई है मेरे अंदर आंख लग गई है तेरी आंख ही नेड़े खड़ी होंदी कोई सम... दवाई लेवन जा मैं आई है ओ फोन वो तो आया अपनी छुट्टी लाए के केड़ी खाद चा पिए छुट्टी लाके हूं तलाक आखी सोर नहीं आई मैं मेरे घर दुकोई ऐसा वैर लिया ना मैं तो समझ का ही नहीं गुंगा हो गया पर बोल तो सही ओ मैं बोलता गति जे तू सुने ता कैसा मंगी है जहर दे जा मैनु जहर ओ दुकान ते खलो ते ना अच्छा क्यों बुलेना मगर डोरी आ ओ पानी ता आ दे पानी ओए हो पानी लेंदा कान ने मोला मिकी लोरे हुक्का लेने ओ पानी दे जा देंदी पईया तौबा तौबा अरे पाई खलेन ता पानी लेना है तो मुंह ना बोल
ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦਾ ਖੂਨ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਖਪਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆ ਖਪਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਸਮਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਲਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਥੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਿੰਦਾ ਹੀ ਫਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਾਲਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਬਾਲਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੈ ਜਾਊ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਾਪ ਖਾਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਖਾਪ ਪਾਈ ਖਲਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੜੀ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਣੀ ਆਈ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਹੋਟਲ ਛੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਛਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਆ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਉਲਾ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਭਲੇਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲੇਂਦਾ ਹੀ ਗਾ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੱਕੇ ਹੋਇਆ ਆਮਨਾ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੰਟੇ ਭੂਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਾਲੜੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਘਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗੇ ਲੋਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੋੜੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਖਿਆ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਨਾ ਤੂੰ ਡੋਰੀ ਏ ਉਹ ਯਾਰ ਕੰਨਾ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਸੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਟੁੱਕਰ ਚਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਜੇ ਟੁੱਕਰ ਚਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਫਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਡੋਰੀ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਛੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਬਾਲ ਵੇਖਾਂ ਆਹ ਬਾਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਿਡਾਈਂਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਬਾਲੜੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਤੀ ਉਹ ਬਾਲੜੀ ਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਅੱਛਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਮਝ ਆ ਹਾਂ ਬਾਲੜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੱਲ ਛੁੜੇ ਸਾਂ ਬਾਲੜੀ ਆਪਣਾ ਆਇਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੁੜੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲਾ ਜਾਓ ਕੁੜੀਆਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ 17 ਮੇਰੀ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਓਏ ਆਖ ਜੀ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਛੋੜ ਦੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਦਾਂ ਟਾਪ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਡੋਰੀ ਜੋ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲਾ ਲਾਣਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੂਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੁਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖੋਲੇ ਖੜਕਾਈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਇਹਦੀ ਲਈ ਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਪਣਾ ਛੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਛੋੜ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਵੇਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਮੈਂ ਦੇ ਗਲੇ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਠੀਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੁੜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਰਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੋੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਾਲੜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਾਲੜੀ ਆਪ ਸਾਂਭ ਲਈ ਸਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਵੱਗ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ
ते हुण ये समाणी मेरे जिम्मे कर गया है। 7 साल तो ये मैं भोगी ते हुण भाई मेरे को बर्दाश्त नहीं होंगी। अइया बालड़ी थे मैं रब बारे असा तो भाई जरा आप गुजारा कर ले मैं तो उन्होंने तलाक दे छोड़ी फैसला दे छोड़िया मुड़ के आओ मेरे बूए तो लाई के बाबा आया बैठा जल्द उन्होंने सुनी काशा नहीं मैं करा मैं यार बच के दवाई ला लें जो डॉक्टर उठी जाता जा उन्हें तो आई होटल तो ही वो बकाया आई उन्हें तो पैसे ला के दवाई के पैसे लेने कोई समझ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन ये जो स्टोरी है ये रियल स्टोरी है, हमें भेजी गई है व्हाट्सएप पे, हमने बनाई है। तो इसमें नाज़रीन एक बात है कि अभी जो लड़की है वो मतलब बहरी है, वो सुन नहीं सकते और वो बेचारी बचपन में बहरी थी तो उनकी शादी करवा दी गई। जब शादी हुई थी तो लड़का कहते हैं कि उसने शौक करके वो जो रिश्ता था ना शौकिया तौर पे लिया था कि मैं इसकी खिदमत करूँगा, ये बेचारी बहरी है इसकी कौन करेगा, तो मैं कज़न हूँ इसका, मैं इसका रिश्तेदार हूँ, तो ये बेचारी घर बैठी रहेगी। मतलब कि उस वक्त बेचारी बेचारी करता था और उसने बड़े शौक से उसका रिश्ता लिया था और जब रिश्ता लिया तो फिर बात बात पे मारना। चलो आपको पता है वो बहरी है, अगर आपने शौक से रिश्ता लिया तो फिर उसे शौक से रखें। अगर बंदा कोई चीज़ भी शौक की लेता है ना तो फिर उसको प्यार मोहब्बत से रखता है। तो अगर उसने मतलब कि शौकिया तौर पर उससे शादी की थी और एक उसके दिल में जो था एहसास, वो एहसास कहाँ गया? मतलब कि उसने अगर एहसास उसे इतना था तो फिर उसका ख्याल रखना चाहिए था, फिर ये ज़रूरी नहीं कि बात बात पे उसे मारता झगड़ता और उसे तलाक कहता। तो जिस तरह हमें स्टोरी भेजी गई है, हमने बनाई है, बहुत गलत उसने किया। फर्स्ट तो ये है कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ अगर कज़न थी तो उसके साथ रिश्तेदारी का एहसास था, अपना खून था, तो अगर एहसास किया था तो फिर उसके साथ मतलब कि जितनी ज़िंदगी थी उसके साथ बिताता। तो ये उसने बहुत गलत किया, हमें ये जो स्टोरी सेंड किया। अब उसने कहा कि ये जो तलाक है, अब तलाक हो चुकी है, अब लड़की है वो सुनती नहीं है, उसने सुनी नहीं है। लड़की कहती मुझे तलाक हुई नहीं, जो शोहर है वो कहता मुझे तलाक, मैंने तलाक दे दिया। एक्चुअली जहाँ तक हमने इस पे इतना रिसर्च तो नहीं किया, अब जहरी बात है हम इस पे कुछ कह दें हमें, क्योंकि हमें इतना इल्म नहीं है। हम कह दें कि भाई तलाक हो गई है ना, हम ये कहते हैं कि तलाक हो गई है ना, हम ये कहते हैं कि नहीं हुई, क्योंकि वो लड़की ने तो सुनी नहीं है और लड़के ने दी है। तो कुछ कहते हैं कि हो गई है, मैंने काफ़ी उलमा से पूछा है, कुछ कहते हैं ये कि अगर खावन ने तलाक दे दिया तो वो हो गई, और कुछ उलमा ऐसे हैं वो कहते हैं नहीं, अगर बीवी ने नहीं सुना तो फिर तलाक नहीं हुई। वल्ला आलम जो भी है, ये मामलात है, बड़े संजीदा हैं, मतलब कि इस्लाम के बारे में हम मतलब कि इसकी गहराई में नहीं जाना चाहते। बहरहाल ऐसा मैं कहता हूँ कि हमारा स्टोरी बनाने का ऐसा ये मकसद था, अगर आप किसी के साथ एहसास करते हैं ना तो फिर उसके साथ एहसास किया है ना तो पूरी ज़िंदगी उसके साथ अच्छी गुजारो। अगर आपने 2 दिन के बाद मारना पीटना और इस तरह तलाक दे के घर भिजवा देना तो ऐसे एहसास की कोई ज़रूरत नहीं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना किया करें। मजीद भाई आसिफ, पापा मुनाजिम, मैडम आलिया और मैडम पारो, इनसे कहूँगा कि वो क्या कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, अगर आपने नुमान चैनल जो है नुमान चैनल नुमान टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आसानी से मिल जाए। और अगर आपकी बेटी को या बेटा हो, देखें दोनों ही हैं, अगर बेटा है उसे वो बहरा या गूंगा या मतलब कोई भी उसे एनी मैन कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसका बचपन में इलाज करवा दें तो वो बेहतर होता है। तो इस तरह की जो स्टोरी हमने बनाई है ये हकीकत पर मबनी है। और हमारे मैं जहाँ रहती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरे पड़ोस में एक है, औरत है, उनके मतलब बच्चे भी हैं, वो सेम यही सिचुएशन है। उनके बच्चे, यहाँ तक कि उनके बच्चे रोते थे ना तो उनको पता ही नहीं चलता था कि वो रो रहे हैं कि नहीं। और हम जा रहे थे, मैं उनको आवाज़ आती थी तो मैं बताती थी आपके बच्चे रो रहे हैं, और उनके शौहर ने अपनी माँ को, यहाँ तक कि उन्होंने पसंद की शादी की थी या कहा था कि चलो अच्छी लड़की है कर ली शादी, अब उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, फलाना ये वो। तो प्लीज़ अपनी बच्चियों का इलाज कर लें अगर आपको, और दूसरा अगर आप शादी करते भी हैं तो सबसे पहले सच्चाई सारी बता दिया करें, क्योंकि अगर एक मसला है गूंगी है बहरी है या अंधी है कुछ भी यानी मैंने कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आगे जो मुश्किल है उसको फेस करनी होती है ना कि माँ बाप को, और शोहर को चाहिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो उससे लाइफ जो है बहुत ही आसान हो जाती है। लेसन काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा, अपनी सपोर्ट का जो है इजहार कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा,
वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। पारों से पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप? बस लेसन ऑलरेडी बहुत सारा लंबा हो गया, बस हम इतना कहेंगे कि हम आपके बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इतनी गर्मी में आपके लिए शुरू करते हैं, प्लीज़ आपकी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।